हेलो गाइजन मैं सूरज कुमार एंड मैंने देखी एक फिल्म थिएटर में जिसका नाम है कार्तिकेय टू स्टारिंग निखिल अनुपमा परमेश्वरम एंड अनुपम खेर अब देखो ये एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको देखने मिलता है भगवान श्री कृष्ण जी के लेसन उनकी टीचिंग्स वो सारे चीज आपको सुनने देखने को मिलता है एंड उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ देखो आ, मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी उम्र तो है नहीं लेकिन मैंने बहुत कम उम्र में दो तीन साल डिप्रेशन झेला था एंड उस समय तो मैंने मानो कि सब चीज़ से हार गया था एंड जिनको भी मिलता था मैं तो बहुत डिप्रेस हो जाता था इतना एंक्शियस फील होता था अंदर से कि भाई मैं क्यों मिलूँ किसी से मुझे इतना डर लग रहा है रातों को नींद नहीं आ रही कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद मैं कितने लोगों को अपनी स्टोरी सुनाता था, था कि भाई प्लीज़ मेरी स्टोरी सुनो मेरे से बात करो मेरे को सुनने का एटलीस्ट ट्राई करो तो कितने लोगों ने अपनी औकात भी दिखा दी थी क्योंकि उस समय मेरे को बहुत लोगों की ज़रूरत थी तो कोई घंटा आया नहीं एंड uh, तब मैंने कई बार सुसाइड भी अटैम्प किए थे मैं तब छोटी छोटी चीज़ों की कहानी अपने दिमाग में नेगेटिव वे में इतना बना लेता था कि मुझे सिर्फ मौत के अलावा कुछ दिखता नहीं था ऐसा लगता था कि मैं पूरी तरह से चौपट हो गया ऐसा लगता था कि कोई मेरा हाथ काट देगा वो दुख झेल लूंगा लेकिन ये मेंटली वाकड़ा दुख मेरे को नहीं झेलने होगा एंड ये सारा चीज़ मेरे को बहुत ही तरह से परेशान कर दिया था जिसकी वजह से मैं दो से तीन साल तक सड़ा के बैठ गया था कुछ समझ नहीं रहा था फिर मैं बहुत ट्राई भी करता था कि भाई कहीं जुड़ जाओ थोड़ा मेरा दिमाग बटे समझे वगैरह वगैरह बट घंटा कुछ भी काम नहीं है बट देर वॉज वन नेम दैट इज़ श्री कृष्णा विच केव a लाइफ मैं काफ़ी चीज़ उनके बारे में पढ़ने लगा एंड मैं काफ़ी चीज़ रियलाइज भी करने लग गया था एंड मैं फिर अपने आप को ही एक सवाल भी करता था कि यार इतनी सी कम उम्र में मैं इतना सब कुछ क्यों झेल रहा हूँ जो साले कितने बड़े बड़े लोग भी नहीं झेलते वो मैं अभी क्यों झेल रहा हूँ ये मेरी कोई उम्र है एंड इतना गंदा पेन मुझे क्यों हो रहा है मैं ये सारा चीज़ मैं सोचता भी था अंदर अंदर बट मेरे को तब एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये मैं अभी इसलिए झेल रहा हूँ ताकि आगे मेरे साथ कुछ भी हो तो मैं उसे स्ट्रांगली डील कर सकूं ना कि वापस से डिप्रेशन में जा सकूं ये ताकत दिया मुझे श्री कृष्ण जी अच्छा उसके बाद दूसरी बात ये हो गई थी कि मैं ये भी सोचता था कि भाई मैं अच्छे नहीं अच्छे अपना काम कर रहा हूँ तो मुझे इतनी डिफिकल्टी क्यों मैं तो भाई अपना अच्छा करने जाता हूँ तो चार प्रॉब्लम्स और क्यों आ जाते हैं तब तो मेरे को एक और चीज़ रियलाइज़ हुआ कि भाई श्री कृष्ण जी चाहते कि भाई तेरा पेशेंस एंड पोटेंशियल मुझे टेस्ट करने दे ताकि जो तू मांग रहा है जो मुझे देना है उसका हकदार बनाने दे पहला एंड यस yes. तब मैं जितना रोया था डेफिनेटली मैं उतना पाया था तो मेरा कोई रोना वेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि मेरा वो बिलीव वैसा था वैसा था आज भी तो लोग पूछते बोलते भगवान मुझे ये दिला दे लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि भगवान तूने जितना दिया है भाई वो तेरा आशीर्वाद है अच्छा उसके बाद एक और कॉमन चीज है जो आप और हम जरूरी सोचते हैं कि भाई साहब मैं तो अच्छा करता हूँ अच्छा सोचता हूँ सबके बारे में तो मेरे साथ ही गलत क्यों होता है एंड मेरे साथ ही क्यों उल्टा हो जाता है जबकि मैं तो अच्छा ही करने गया था मैं तो अच्छा ही बोल रहा था ये एंड ऑल टेंशन मत लो यार ये सारे चीज़ों का हिसाब उसके हाथ में तो उसके हिसाब में गड़बड़ी होती नहीं है लेकिन मेरे को एक रियलाइज़ हो गया था कि भाई तुम अच्छा करते रहो जिसको जो उंगली करनी है हिसाब वो करेगा वो भी इसी लाइफ में इसी जन्म में तो वो सब हिसाब होता ही है वो कैसे भी करके ये चीज़ मैंने लिटरली एक्सपीरियंस किया है एक्सपीरियंस किया एंड उनका हिसाब ऐसा रहता था कि भाई साहब तू रोया तुझे मिलेगा एंड जिसने रुलाया उसको भी मिलेगा बट उनके तरीके से जो मिलना चाहिए वो मिलेगा तो ये एक सारा चीज का एक्सपीरियंस था जो मुझे ये सारे चीज को जानने के बाद परखने के बाद मुझे वो समझा एंड तब जाके मैं बहुत स्ट्रांग हूं अपने आप को मैं मानता हूं अब आपको एक और चीज मैं बता दूं कि यार आज मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं आज मैं जब ये फिल्म देख रहा था कार्तिक ए टू तो ये एक एक चीज जो मेरे साथ हुआ है जो मैंने फील किया है वो इस फिल्म का एक पार्ट था वो देखने मिला मुझे कुछ कुछ लेसन टीचिंग्स आप सुनोगे आप बोलोगे आप रिलेट करोगे तो यार ये क्या है क्या चीज है एंड कार्तिके टू एक ऐसी स्पेशल फिल्म है जो कभी जिंदगी में फिल्में पसंद नहीं करता है ना वो भी इस फिल्म को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखेगा क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है ये एक लेसन है एक एक्सपीरियंस है एक मैजिकल वर्ल्ड है एंड जब मैं ये फिल्म देख रहा था मुझे बहुत सारे सीन्स ने जो रोंगटे खड़े कि रहे ना अभी भी मैं सोच रहा हूँ ना मेरे को अंदर से अलग ही लग रहा है कि भाई साहब मैंने क्या देखा एंड क्या सुना एंड कोई प्राउडली इतना कैसे शेयर कर सकता है अगर कोई सिनेमा में ऐसा शेयर कर सकता है तो सोचो लोग कितने अच्छे विचार लेके निकलेंगे थिएटर के बाहर कितने अच्छे विचार दिस इज द फिल्म दिस इज द प्रूफ दिस इज द मैजिक ऑफ कार्तिक टू विच इज आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फिल्म में एक सीन है जहां पर अनुपम खेर डिस्क्राइब करते हैं श्री कृष्ण जी को अरे वो सीन अगर आप देख लोगे ना खड़े होके ताली बजाओगे आपके रॉन्ग खड़े हो जाएंगे आप बोलोगे लुक एट द विजुअल्स लुक एट द वर्ड्स अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल अरे क्या सीन था वो एंड मार्क माय वर्ड आने वाले टाइम पे आप देखोगे वो सीन वायरल हुआ है वो इतना वायरल होगा सीन अरे क्या सीन है वो दट विजुअल्स एंड द वे अनुपम खेर वो सीन अरे माँ कसम मजा आ गया था यार मजा आ गया वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना जो मैं कभी नहीं भूलूंगा कभी नहीं भूलूंगा इन फैक्ट द क्लाइमैक्स होल फिल्म, द होल फिल्म फैंटेस्टिक फिल्म आप बहुत कुछ सीखोगे ये आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा होगा कि सिनेमा से कुछ सीख के जाओगे वो है ये कार्तिकेट टू फिल्म के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एनिमेटेड ग्लिम्स देखने मिलेंगे एंड वो इस तरीके से बनाया था

कलर ग्रेडिंग द सिनेमाटोग द साउंड डिजाइनिंग प्लस विजुअल्स अरे क्लास क्लास एंड मैं अभी भी बता रहा हूं मैं इस फिल्म को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा अगर मैं कंपेयर करूंगा ना तो मेरे पैर कम पड़ जाएंगे यार आपको एक और चीज बता दू फिल्म में एक कैरेक्टर है जो कि मुस्लिम कैरेक्टर है आप उस सीन को ध्यान से देखना उस कैरेक्टर को ध्यान से देखना जिस तरीके से वो कैरेक्टर आगे जाके क्यूरियस होता है एंड जानने की कोशिश में रहता है कि ये क्या है क्या हो रहा है वो सारा चीज आपको एक चीज बता देगा कि भाई साहब श्री कृष्ण कोई धर्म नहीं है ये एक जीवन है जिसको जानना पड़ेगा ताकि आपको अपने जीने का तरीका समझना पड़ेगा देखो यार मैं एक और चीज बोल दूंगा कि दिस फिल्म इज नॉट फॉर एवरी अरे आई एम सॉरी दिस फिल्म इज फॉर एवरी वन मैन दिस फिल्म इज फॉर एवरी एंड अगर आप डिप्रेस हो ना मर जाओ सालो मर जाओ अरे म, मतलब जाकर देखो ये फिल्म दिस फिल्म विल मोटिवेट यू आपको मालूम पड़ेगा कि यार कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं मेरे पास बोलने के लिए भाई साहब एंड बिलीव मी द होल थिएटर वाज हाउसफुल पूरा थिएटर भरा था इस फिल्म को बहुत कम शोज मिले मुझे सुनने में आया कि हिंदी में कुछ अराउंड डेढ़ सौ दो सो शोज मिले पूरा मुंबई में जहां जहां लगा था ना सब थिएटर हाउसफुल हाउसफुल लुक एट द क्रेज पीपल वॉन्ट टू सी सच फिल्म एंड ये एक अलग ही काइंड kind ऑफ of नशा है जब आप ये फिल्म देखोगे ना आप उस इंटरेस्ट के साथ देखोगे आप क्यूरियस हो जाओगे कि अभी ये क्या कहेंगे ये क्या बोलेंगे एंड ये इसका मतलब क्या होगा क्लाइमैक्स में वो जिस हिसाब से पूरा फिल्म खुलता है ना मजा आ जाता है यार मजा आ जाता है इनफैक्ट मेरे को एक चीज सबसे सॉलिड लगा कि स्टोरी तो एक पैटर्न में रन हो रही है लेकिन उसके बीच में वो जो लेसन चलते रहते हैं वो दूसरा सीन है और वो लेसन उसके ऊपर चलते रहते अरे अरेस्टिक सोचो इसका बजट भी काफी कम है लेकिन कितने दमदार वे में इसका वी एफ एक्स एडजस्ट किया है कहीं पे भी फीका नहीं लगता है एक अलग ही दुनिया लगती है वो सारे चीज एकदम क्लास अच्छा एक और चीज आप लोगों को बता दो कार्तिक के पार्ट वन यूट्यूब पे अवेलेबल आप लोग जाके देख सकते हैं एंड अगर आप डायरेक्ट पार्ट टू देखने जा रहे तो भी कोई बात नहीं कुछ खास लिंक नहीं है जो आपको दिमाग में डालना पड़े पार्ट वन देखे ऐसा कुछ नहीं आप सिंपली देख सकते आपको बहुत मजा आएगा अगर आप लोग के नजदीक सिनेमा में लगे तो जाके देखना मैं इस फिल्म को रेटिंग रेटिंग तो इतना नहीं है मेरा भाई तो आप लोग जाकर देखना बहुत याद करोगे इस फिल्म को तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एंड आप लोगों को बता दूं मैं हर तीन महीने में अपना फेवरेट प्लेस जाता हूं जो है गोवर्धन इको विलेज हाय हाय अलग ही वाइब है अलग ही वाइब है यार आप लोग भी जाना कभी मौका मिले तो एंड उसके और भी फोटोज मैंने इंस्टाग्राम पर डाले आप लोग जुड़ जाइए देख सकते हैं वहां पर सो so, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं यार ये फिल्म के शोज बहुत कम लगे एंड मेरे को कहां पर जाके देखना पड़ा कितने पसीने बहाने पड़े बाप रे बाप क्या बताऊ मैं आपको बता ही नहीं सकता बट यार सब्सक्राइब कर दो अगर आज के वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मिलते अगले वीडियो में टिल देख टेक केयर गॉड ब्लेस ऑल